आर्य समाज प्रारंभ से ही कुछ न कुछ अलग गतिविधियां करने के कारण सुर्खियों में रहता है और आर्य समाज के कार्यकर्ता भी अपना तन मन लगा करके ऋषि दयानंद की मान्यताओं और वेद के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना में लगे हुए हैं। ऐसी ही एक शख्सियत जो दिखने में कहते हैं काम छोटे दिखते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक शख्सियत हमारे बीच में है। सबसे पहले हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम जगपाल सिंह है, मन्नाखेड़ी गांव का रहने वाला हूं, गांव से जुड़ा हुआ हूं। मेरे पिताजी साधारण कृषक थे और मैं आर्य समाज से, मेरे पिताजी पहले से जुड़े हुए थे, उनकी वजह से मैं जुड़ा। कक्षा 3 में मेरा दाखिला जो था गुरुकुल कांगड़ी में हुआ, लेकिन चूँकि शारीरिक परेशानी आने के बाद जो मैं वहाँ से छोड़कर गाँव में चला और गाँव से ही मैंने प्राइमरी से पाठशाला से हो किया और मैंने बीए तक पढ़ा मैं। आपका पूरे खास करके उत्तराखंड क्षेत्र में आपका ये चलता है, आप अलग अलग चीज़ें बांटते हैं, वो आप क्या क्या चीज़ें बांटते हैं ये मैं जानना चाहूँगा। ये उत्तराचल में ये जब से 2000 में तो इसकी स्थापना हुई और 1999 से मैं यहाँ से गुरुकुल नारसन कॉलेज का पहले मैं मैनेज प्रबंधक रहा वहाँ से डिग्री कॉलेज में, तो उसके बाद में जो था मैं उप प्रबंधक से वहाँ से होने के बाद में तब से वहाँ से हमने एक कार्यक्रम चलाया कि हमने चारों वेदों का पारायण ये शुरू किया वहाँ से सेवाराम त्यागी जी की प्रेरणा से। तो उसमें हमने वहाँ से जो अध्यापिका थी स्कूल में तो उन्होंने मतलब जो था भाई ने सत्यार प्रकार दिया जाए वो, तो हमने जब उन्हें बुलाया तो मैं बेचारी संख्या में तो हमारे पास 20 सत्यार प्रकाश थे, ले गए अकबर सत्यार प्रकाश होने कक और वो जज की पुस्तक यज प्रसुदा, तो हमने उन्हें देना शुरू किया। तो वे कहने लगे जी हम तो 23 हैं स्टाफ, तो हमने 23 के 23 को ही दिया। फिर वे वहाँ के जो मैं अध्यापक थे वे भी कहने लगे जी हम अभी तो भाई आपको तो देंगे लेकिन आपको आप तो मिलो कुछ इसमें सहयोग दो, तो खैर उन्होंने बेचारे ने सहयोग भी दिया और हमने सभी को वहाँ से जो था करीब करीब जब वहाँ से स्टाफ होता था 150 का, तो 150 सत्यार प्रकाश ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और ये आपका नहीं आर्य विविनय, आर्य विविनय व्यवहार भवनु तो भी बांट रहे व्यवहार भवनु और आर्य उद्देश्य रतनमाला, तो ये सेवा राम जी के सहयोग से उनकी पुत्री जो हो डॉक्टर सुषमा जो हो वो दिल्ली हो, तो उसने मतलब जो मेरे पास भिजवा दे चाचा जी ने बंटो भिजवो तो मैं देता रहता हूँ। और चम्मच हवन के लिए जो शुरुआत जो हो वो देते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका यज्ञ की पुस्तिका आर्य विविन है, आप इतने लंबे समय से लगभग 18 वर्षों से आप बांट रहे हैं, कितने लोगों तक ये आपकी चीज़ें पहुंच गई होंगी लगभग? ये तो वैसे तो हम ये समझो जैसा कुंभ में भी किया, आपके उसमें भी अर्ध कुंभ में भी किया और उससे पहले मतलब जो हम यहाँ से जितने भी समय लौटते रहते हैं उनमें समय मतलब जो है बांटते रहते हैं पुस्तकें। कुंभ मेले का मुझे पता है, मैं खुद कुंभ मेले में रहा और 40 दिन तक लगातार आर्य समाज के वेद प्रचार शिविर में रहा, वहाँ भी आप आते थे और हर रोज जितने भी वहाँ यजमान बनते थे उनको सत्यार्थ प्रकाश और यज्ञ करने के लिए चम्मच जो है वो आप उपलब्ध करवाते थे, तो मैं उससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ आज तक और पिछले 18 वर्षों में लगभग हज़ारों की संख्या में सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका चाहे यज्ञ के लिए चम्मच हो चाहे आर्य विनय हो चाहे व्यवहार भानु हो ये पुस्तकें जो है वो उन्होंने बांटी हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आर्य समाज से जोड़ने के लिए, ऋषि दयानंद से जोड़ने के लिए और मैं कहना चाहूँ वेद से जोड़ने के लिए इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अंत में मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगा, एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे आज के नौजवानों को, खास करके नौजवान भटकता हुआ दिखाई देता है, उनको कोई मार्गदर्शन मिलता नहीं, तो उस समय में नौजवान क्या करें? अगर सभी नौजवानों को संध्या जिसमें कुछ भी नहीं लगता, हवन में कुछ तो लगो घी वगैरह सामग्री वगैरह कुछ ना कुछ इकट्ठा करना पड़ो, लेकिन अगर वह रोजाना 15 मिनट का समय अगर अपना उसमें भी संध्या में भी देने लगेंगे तो वो एक तरह का रास्ता मिल जाएगा ना और वो ये से जरूर जुड़ जाएंगे। ये जो 20 मिनट लगो 15 मिनट में 20 मिनट ये और ये इतना ज़रूरी भी हो सुबह समय, इसके लिए जो समय बहुत उपलब्ध है, ये नहीं कहते बच्चों के पास भी है लेकिन चूँकि हम नए नौजवानों को जोड़ना नहीं चाह रहे, लोग पता नहीं क्योंकि इस तरह विचलित हो रहे हैं, वरना तो जब जिस परिवार में चलती रहे परंपरा वो चला रहा है। हमारे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ थे लेकिन वो संध्या जानते थे, संध्या वो उन्होंने याद करवा दी और वो याद थी उन्होंने, देख लो इस तरह की बात है। संध्या जोड़ना सिखाती है और संध्या कहते भी हैं, दिन के और रात के मिलन को संध्या कहते हैं, युवा जुड़ेंगे संध्या करेंगे, संध्या से मतलब ब्रह्म यज्ञ से है, परमात्मा से यदि जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र के लिए सशक्त एक नागरिक बन सकते हैं और वेद की प्राचीन मान्यताओं की पुनर्स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबका, आपने भी मुझे इसके लिए वो प्रेरित किया, और आपका जो प्रेरणा मुझे जो प्रेरणा स्रोत जो हूँ, सभी जितने भी आर्य समाज के सन्यासी हैं और मेरी सभी प्रेरणा स्रोत कि मैं पता नहीं क्यों परमात्मा के उससे जो घर का मन ने कभी काम को कुछ नहीं किया इतना, लेकिन भाई कभी मुझे रोका नहीं, मैंने घर को ना रोका मैंने मुझे, देखो पुत्र जवान है, भाई जवान हो गया था, पिताजी ने तो कभी मुझे नुकान नहीं कहते, बस ठीक है, बस तू चल लगा रहो, ठीक लगा रहो, ये था मेरा प्रेरणा स्रोत। अच्छे कार्यों में लगातार जो है वो सहयोग मिलता ही रहता है। आप आज हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीक्षेंद्र आर्य, गांव भगवानपुर, जिला हरिद्वार से आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।